काल पालिका प्रशासनानं वाडिया रुग्णालय प्रशासनावर अनेक आरोप केलेले आहेत आणि या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी आपल्यासोबत वाडिया रुग्णालयाच्या सीईओ डॉक्टर मिनी बोधनवाला आहेत. कल प्रेस कॉन्फरन्स लेकर पालिका प्रशासन ने बताया कि आपको और आपके सहित 6 लोगों को दोनों से जो है वो सैलरी मिल रही है और 10 लोगों को जो निवृत्ति वेतन है पेंशन है वो दोनों अस्पताल से मिल रहा है. क्या आपकी राय है? सबसे पहले तो ये मुद्दा सब जुडिस है तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन इतना बोल सकती हूँ कि जो भी है हमारे बोर्ड मेंबर्स है, जहां पे एमसीजीएम के भी रिप्रेजेंटेटिव्स है, जैसे चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में 4 रिप्रेजेंटेटिव्स है और मैटरनिटी हॉस्पिटल में 2 रिप्रेजेंटेटिव है और स्टेट गवर्नमेंट के 2 रिप्रेजेंटेटिव है. सो जो भी डिसीशन होता है रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन, क्योंकि ये एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है, वो बोर्ड में होता है और बोर्ड में सब मेंबर्स अपनी मंजूरी देते हैं. तो ऑल पार्टीज आर यू नो ऑल पार्टीज आर अवेलेबल फॉर दिस डिसीशन मेकिंग. और अगर सब पार्टीज हाँ बोलते हैं तो ही कोई भी डिसीशन होता है और इम्प्लीमेंट होता है. हम तो सिर्फ हमारा बोर्ड जो सैलरी अप्रूव करता है और जिस तरीके से वो रेम्यूनरेशन देता है, अगर वो बोलते हैं कि हाफ हाफ होना चाहिए दोनों हॉस्पिटल से, तो हम उसी को फॉलो करते हैं. बाकी तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती हूँ उस पर. कितना गरीब रुग्णों पर उपचार किया है, ऐसा कोई लिस्ट आपने नहीं दी है, ऐसा कुछ है? जो भी क्वेरीज थे हम लोगों ने टाइम टू टाइम जब भी मांगी है सब क्वेरीज के आंसर्स दिए हैं. लेकिन जो पालिका प्रशासन आरोप कर रहे हैं, इसमें कुछ तथ्य दिखाई देता है आपको? क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, मैं उस पर कमेंट करना नहीं चाहूंगी अभी एट प्रेजेंट. लेकिन जो भी क्वेरीज थे भी उनको थे, आंसर्स हमने सब दिए है. और एक आज उस पर मीटिंग भी होने वाली है, उद्धव ठाकरे साहब जो मुख्यमंत्री है उन्होंने इस पर आज मीटिंग बुलाया है, आप शामिल हो रही है इसमें? अभी तक हमें ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आया है तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकती हूँ. अमरेश लाडसर, कृष्णा पाटिल, जी मीडिया, मुंबई.